जोहार हजारीबाग। आज हम लोग विष्णुगढ़ आए हैं और विष्णुगढ़ में एक अच्छी पहल हो रही है, अपनी उम्मीदवार को जाने। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है विष्णुगढ़ प्रखंड में या फिर पूरे हजारीबाग जिला में, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के नेता जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। जनता भी साथ में है और साथ में अलग अलग विशेष पॉलिटिक्स में जो रुचि रखते हैं, जर्नलिज्म में जो रुचि रखते हैं वो लोग भी हैं। वो लोग सवाल कर रहे हैं नेताओं से डायरेक्ट फेस टू फेस। आइए जानते हैं ये अनोखा प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है यहाँ पे ऋत्विक जी ने और ऋत्विक जी के साथियों ने शुरू किया है, और फिर नेताओं से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे क्या सोच कर ये कार्यक्रम आपने शुरू किया कि अपने नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। एक्चुअली यहाँ पे किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी भी पंचायत में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं 3 साल से यहाँ पे फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। जैसे लोग ब्लॉक पे जा रहे हैं, लोग थाने में जा रहे हैं या लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा से वो वंचित हैं। बिल्कुल तो वो वंचित क्यों हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जनता भी है, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे सारे नेता हैं बैठे यहाँ हुए। पे, हाँ जहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि आए, जनता आए और जनता डायरेक्ट जनप्रतिनिधि से सवाल करे। ऐसा नहीं बिल्कुल कि मतलब आप 5 साल के बाद फिर उनको उनके बैक पे कुछ बोल रहे हैं, उससे अच्छा आप सामने आके सवाल बिल्कुल। तो कीजिए। यहाँ पे कुछ नेता लोग हैं जो इस बार पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप हैं मैडम यहाँ पे, आप किस पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, जिला परिषद क्या नाम है आपका? रीता दुबे। तो रीता जी, ये बताइए क्या कारण हुआ कि आपको चुनाव में उतरना पड़ा और सबसे बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का क्या है? देखिए, चुनाव के लिए तो हम कभी सोचे नहीं थे हमको आना है, लेकिन अचानक आने के पीछे का कारण है। हम 12 साल से देख रहे हैं यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आए, ऐसा कोई कार्य हम नहीं देखे। जब हम क्षेत्र में भ्रमण करने लगे तो हमको समझ में आया सही में कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे क्या काम नहीं हुआ है? देखिए, सड़क तो यहाँ बहुत जर्जर है, रोड पर नाली बहता है, आदमी चलेगा कैसे? जहाँ गंदगी है वहाँ स्वास्थ्य पर तो असर करेगा, जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो विकास का सोचेंगे कहाँ तो से? ये सब काम जब आप जिला परिषद बन जाएंगी तो क्या कर पाएंगे? जरूर करेंगे, अधिकार चाहिए। अगर हमको अधिकार मिलता है तो अधिकार के साथ हम ये सब काम करेंगे। बिल्कुल, पहला तो अधिकार हाँ, चाहिए। आपके पास फिर से वापस आएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं? मैं चेरा पंचायत से मुखिया पद के लिए खड़ा मुखिया हूँ। पद से। इससे पहले भी आप शायद मुखिया रह चुके हैं। जी, मैं निवर्तमान मुखिया अभी मैं हूँ। आप मुखिया हैं तो आपसे ज़्यादा सवाल होगा, क्योंकि जी 5 साल में आपने क्या काम किया है? जी 5 साल में आपने देखा होगा कि जिस समय सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी 2011 में, तो आपने देखा होगा कि जो लाल कार्ड बने थे वो सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर लाल कार्ड बने थे, और वो जनगणना में जितनी आबादी थी उसकी 90% का ही राशन कार्ड बनना था। अच्छा। लेकिन जब मैंने चुनाव जीता 2015 या 16 में, तो राशन कार्ड का डिमांड होने लगा। तो राशन कार्ड सरकार बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो वैसे सक्षम व्यक्ति जो राशन कार्ड लिए हुए हैं, जब तक वो सिलेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम लोग का जनगणना 2011 का है और 2015 से 20 के बीच में जनसंख्या बढ़ी है। आपका कहना है कि राशन कार्ड आपने दिलवाया सबको, ये तो एक जी काम है, उसके अलावा और भी हाँ काम बता क्या? दें, सामाजिक आर्थिक जनगणना में बहुत से लोग वैसे परिवार छुटे हुए थे जिनको आवास मुहैया नहीं कराया गया। तो अब सरकार का एक कार्यक्रम आया था आवास प्लस योजना, तो उस योजना के तहत मैंने 350 वैसे गरीब वंचित परिवार को मैंने जोड़ने का काम किया और उन लोगों को आवास दिलाने का काम किया, जिसमें मैं निस्वार्थ से, आपने बहुत जगह भी सुना होगा कि प्राथमिकता सूची तय करने के लिए भी लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मेरे में वो बात नहीं है। मतलब बिना पैसे लिए आपने लोगों को घर बनवा दिया। ये आपका जो आर्थिक है, आपका इसका उदाहरण मैं आपके, मेरे बीच में एक उम्मीदवार भी मौजूद है, ठीक है, वो उनको भी मैंने आवास दिलाने का काम किया है। वो अच्छी तरह से बता सकते हैं क्या वो, मतलब वो गरीब परिवार से हैं, गरीब तबके से हैं, उनके घर में उनके परिवार में 3 आवास मिले हैं। वो अच्छी तरह से बता सकते हैं कि मुखिया जी अपने कार्य निर्वाहन के लिए क्या उन्होंने कभी आप लोगों को दिक्कत परेशानी आने दी तो या अभी कुछ? अभी चलिए, अब तो 5 साल का काम बताया जी आपने, जी अब जो खड़े हुए हैं क्या चांस है, जीतेंगे हारेंगे क्या होगा? जी हमें सारे वर्गों का समर्थन प्राप्त है। मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जमात की राजनीति करता हूँ। कुछ वैसे लोग हैं कि जो जात की राजनीति करते हैं और जात को भंजाना चाहते हैं, अब मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जमात की राजनीति करना, मैं सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ने का काम करता हूँ। चलिए, आप जीत भी गए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपके क्षेत्र पंचायत का वो क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे उसको?
चेरा पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा है नाली की समस्या। तो जब तक नाली की समस्या, नाली तो बनने का तो बन जाएगी, सरकार योजना दे देगी, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा? जब सफाई कर्मी नहीं रहेंगे, नाली बन जाने से उसमें गंदगी पानी जमा होगी तो उससे दुर्गंध आने लगेंगे, लोगों की परेशानी नहीं होगी। मैं सरकार से मांग भी किया था, आप लोग पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे कि हमारा पंचायत नगर पंचायत में घोषणा हो चुका था। अगर 2021 का अगर जनगणना होता तो हमें आने वाला समय में ये पंचायत का चुनाव ना लड़के ये नगर पंचायत का चुनाव लड़ना पड़ता। सरकार में ये पहल किए थे, मैंने मांग उठाई थी, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये समस्या तब समाधान होगा जब उसका निष्पादन का प्रक्रिया समाधान कर पाएंगे कि नहीं आके। ये नगर पंचायत अवर चुनाव में होना है और रह गए जागरूकता, तो हम लोग हमेशा किए हैं कि घर में नाली का पानी जो है वो आप अपने घर में बाहर ना। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। किस पंचायत से लड़ रहे? चेरा पंचायत से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद। आप भी लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं सर, आप नहीं, यहाँ की जनता है। जनता है, क्या चाहते हैं, कौन जीतेगा? हमारी जनता नाम मत लीजिएगा, लेकिन तो कौन जीतना चाहिए? जनता की आवाज है। हाँ। ये तो जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो अच्छा कार्य करेगा वो जीतेगा। चलिए, आप भी हैं चुनाव में उतरे हुए, किस पद के लिए आए? मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए किस पंचायत से हैं? छेदरा पंचायत से। छेदरा पंचायत, आपके भी छेदरा पंचायत, यहाँ भी छेदरा पंचायत, कैसे होगा? दोनों आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, आपस में लड़ नहीं रहे, नहीं लड़ रहे, उम्मीदवारी तय की, लड़ाई कोई नहीं। उन्होंने बताया कि 5 साल में काफी अच्छा काम किया, अब आप बताइए क्या करेंगे आप इनको हराने के लिए? हराने के लिए नहीं, खुद निर्वाचित होने के लिए, हराना नहीं है किसी को। अच्छा, तो क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि जनता हमें निर्वाचित करे और मैं जिस उद्देश्य से खड़ा हूँ उसको पूरा करूँ। क्या उद्देश्य है आपका? जैसे अभी एक समस्या का चर्चा हो रही थी, नाली की समस्या, बहुत बहुत गंभीर समस्या है। लोग घर से निकलते हैं तो और समस्या तो वो सॉल्व कर दे रहे हैं, आप कुछ और बताइए। नहीं, वो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो नगर पंचायत के माध्यम से उसका समाधान चाहते हैं। अच्छा, और मेरा कहना, मेरा सोचना है कि मैं उसको ग्राम पंचायत से करने में सक्षम हूँ। अच्छा। जनता के सहयोग। अच्छा। से और क्या है, मतलब ये तो समझ गया, नाली एक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है छेदरा पंचायत की स्थिति? शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति गंभीर है, मतलब यहाँ शिक्षा का माध्यम जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लोग सरकारी स्कूल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। और मेरा सोचना है कि अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो जो जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, उनके टैक्स के पैसे ही चलता है, तो जनता की अपनी संपत्ति हो गई, सार्वजनिक संपत्ति हो गई, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन सही ढंग से अपना काम करें। जनता का विश्वास जो सरकारी स्कूल से टूट गया, मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? हमारे बच्चे बड़े हो गए सरकारी की, गवर्नमेंट में? प्राइवेट में कि सरकारी में? ना, प्राइवेट से ही पढ़े हैं। प्राइवेट से ही पढ़े। तो जब आपके बच्चे प्राइवेट में ही पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजा उन्हें? उस समय बड़े हो चुके थे और हम लोग इसीलिए तो बताए हम कि सरकारी स्कूल जो है वो भरोसे के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल, चलिए आप बनेंगे तो करेंगे इसे। जी जी जी। आप भी खड़े हुए हैं सर? ना, आप खड़े हुए हैं? मैडम आप खड़े हुए हैं? आप किस जगह से खड़े हुए हैं और किस पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं? जिला परिषद बिष्णुगढ़ मध्य से। जिला परिषद बिष्णुगढ़ से, मध्य से। तो बताइए, आप पहले जीत चुके हैं या पहले कुछ काम किया है अपने क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में काम किए। क्या काम किया है? हमारे फंड की बोलिएगा बात तो हम 2-3 जगह तालाब है जो गहरीकरण कराए हैं, वो जिला परिषद अनामंद पैसा से एक करोड़ का लागत में काम हुआ है। उसके बाद फिर हमारी फंड आई तो फिर उसमें सभी जगह तालाब में 8 पंचायत में होता है, सभी जगह स्नान घाट दिए हैं। और हमारी फंड ना रहते हुए में भी हम नाली का जहाँ जरूरत था वहाँ नाली की भी मांग किए हैं और वहाँ करवाए हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जसोदा देवी नाम है। चलिए, आपको जिला परिषद बना देते हैं अगर विष्णुगढ़ का, तो क्या करेंगे पहला काम? क्या करेंगे पहला काम? ऑफिस में जाएंगे, साइन करेंगे, पहला किस काम पे साइन करेंगे कि ये विष्णुगढ़ के लिए बेहतर हो? विष्णुगढ़ के लिए बेहतर के लिए सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर धरेंगे। मतलब क्या शिक्षा पे क्या करेंगे? शिक्षा जैसे अभी हमारी सरकारी स्कूल में अभी पढ़ाई में थोड़ा कमजोरी हो रही है, जब से कोरोना काल में स्कूल बंद हो गया है, क्योंकि बच्चा लोग भूल गया स्कूल जाने के लिए। उस पर हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, तो उसमें जागरूकता अभियान चलाने के बाद हमारी जैसे बच्ची लोग जो है, हमारी बहुत सा गरीबी लोग है, गरीब बच्चे जो प्राइवेट में नहीं पढ़ सक रहे हैं, जागरूकता अभियान चला के उनको सर लोग से भी अपील करेंगे कि इतने अच्छा उनके शिक्षा दी जाए कि हमारी बच्ची पढ़ के निकले,
कुछ नाम रोशन करे, कुछ बने, इस स्कूल का नाम भी रोशन करे, अपना प्रखंड का, जिला का नाम रोशन करे, पढ़ के कुछ बने अपना। आप खुद महिला हैं, एक चीज बताइए, विष्णुगढ़ में महिलाओं की स्थिति क्या है? क्या वो शाम में अकेले बिना डरे घर से बाहर निकल जाती हैं काम करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, या उनकी समस्याएं क्या है, क्या आप जानती हैं, या कैसे सॉल्व करेंगे अगर कुछ समस्या है तो? देखिए, महिला के ऊपर में तो हम हमेशा सशक्तिकरण किए हैं, जागरूक किए हैं महिला को लेके, और उन लोगों के बीच में हम हमेशा रहे हैं, और अभी भी बेधड़क निकल रही है, समूह में काम आ रहा है तो हमारी महिला बेधड़क निकल रही है। और बैंक जाना हो या क्षेत्र से जैसे कई 10 किलो 15 किलोमीटर दूर से विष्णुगढ़ आना पड़ रहा है, किसी बगोदर हजारीबाग, तो वो महिला आ रही है और काम करके जा रही है। कभी कभी ऐसा एक ठो भी आया था बात हम लोग का रमुआ में, एक बच्ची को लेके, लेकिन वो कैसे हुआ क्या हुआ उसका अभी तक जांच पड़ताल नहीं किया जा गया है, उसमें हम भी लगे हुए हैं कि जैसे हो लेकिन उसका निकलना चाहिए। अभी हम महिला के लोग के बीच में हम जागरूक किए हैं, और महिला लोग हमारी काफी जागरूक हो गई है, और हम उसके बीच में है और हम जागरूक किए हैं उन लोग को। आपका क्या नाम हो? महेंद्र राम। आप कहाँ से खड़े हुए? चडरा पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार। क्या काम होता है पंचायत समिति सदस्य का? देखिए, पंचायत समिति हम लोग तो सब 95 से राजनीति में सक्रिय हूँ। आप पहले से मतलब बने हुए भी है पंचायत समिति? नहीं, दो बार चुनाव लड़ा, मैं हार गया। पिछले बार बहुत कम वोट से मैंने हार गया, और स्वर्गीय टिकलाल महतो के साथ झारखंड आंदोलन में भी शामिल रहा। और विष्णुगढ़ में जितने भी आंदोलन हुआ है, चाहे बिजली के सवाल पर हो, भ्रष्टाचार के सवाल पर हो, महेंद्र राम सबसे आगे रहा है इनकलाब करने में, आंदोलन के लिए सबसे आगे। तो क्या कारण है कि आपको जिताया नहीं जाता है, बहुमत नहीं आता है, क्या कारण है? देखिए, जनता जान रही है, कुछ कम मतों से पिछले बार हम हार गए, और इस बार जनता जडरा का तय कर लिया है कि आंदोलनकारी है महेंद्र राम, इस बार महेंद्र राम ही पंचायत समिति सदस्य बनेगा, इस बार जीतेंगे जीतेंगे। और सबसे बड़ी समस्या बता रहे हमारे जिला परिषद और मुखिया जी भी, ये विष्णुगढ़ चडरा में पानी के जो सबसे पहले वो काम हम लोगों ने मिलकर करेंगे, पहला रोड के बीच में नाला जो गुजरता है, नहीं पानी रोड में बहता है, ये बहुत समस्या है। दूसरी, विष्णुगढ़ में पूरे प्रखंड की मैं बात करता हूँ, बिजली का रेट इतना बिल बढ़ा हुआ है, इतना कटौती किया जाता है, और बिजली पर ढंग से हम लोग को नहीं मिलता, इस पर आंदोलन हम लोग करते हैं और करेंगे। बिजली तो पूरे झारखंड में नहीं है अभी, इसके लिए हम लोग आंदोलित है करेंगे। और भ्रष्टाचार सीमा अपरंपार बहुत ज्यादा है, अफसर शाही राज है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, जनता त्राही माम है, इसकी लड़ाई हम लड़ते आए हैं और जितने काल बाद भी लड़ेंगे। लेकिन आप पंचायत समिति हो के इतना कुछ कैसे करेंगे? हमारे संगठन है, हम यहाँ एक क्या बोलते हैं, यहाँ हमारा जो विष्णुगढ़ में एक संगठन चलती है, उस संगठन में जुड़े हुआ हूँ। अच्छा, और संगठन लेकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, जीतने के बाद भी ना जीतने के बाद भी, शुरू से आंदोलनकारी हूं, आंदोलन काम जारी रहेगा। जी हाँ, तो महेंद्र राम जी थे, और यहाँ पे कोई पंचायत समिति से भी कोई लोग हैं, और यहाँ सारे हैं ना, तो देखिए इनके मोबाइल में शेख तैयब अपना फोटो भी लगाए हुए हैं, ऑटो छाप, जब बात होगी तो प्रचार भी होगी ना। बिल्कुल प्रचार होगा। क्या आप कहाँ से खड़े हुए हैं? मैं मध्य से हूँ, जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। जिला परिषद के लिए? मेरा नाम शेख तैयब है। अच्छा, तो जिला परिषद में क्या है मुद्दा? अभी लोगों ने बताया कुछ, लेकिन सब जो प्रत्याशी है उनका कुछ ना कुछ अलग नजरिया होता है, उस हिसाब से आप लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिला परिषद जो है बड़ी चीज है, और अगर आदमी चाह ले ईमानदारी से तो वहाँ बहुत चीज का स्रोत है, लेकिन आप अगर जीत के गए हैं तो आप करने में कितना सक्षम है, हमको लगता है कि जो लोग भी जीत के गए हैं दो बार से, वो जिला परिषद की अधीन में कौन कौन चीजें हैं ये किताब भी वो लोग नहीं पढ़े होंगे। अच्छा, जिसके चलते विकास की तो बात ही छोड़िए, वो लोग अपना पावर को भी नहीं समझते हैं। और जो आज के दिन में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं कोनार डैम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप यहाँ का पानी जो हजारीबाग में ले जाया जा रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं बनासों के लोग जो है वहाँ पानी नहीं है, वहाँ त्राही माम है लोग। तो मैं सबसे पहले, यहाँ तो एक नहर बनी थी बनासों में, क्या हुआ उसका? बनासों में नहर बनी थी, वो सफाई का काम हो रहा था, नहर पहले से थी, और यहाँ जो डैम बनी थी वो सफाई का काम चल रहा था, जीर्णोद्धार उसकी हो रही थी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पानी के सवाल पर आज बनासों पूरा पंचायत, वो जितना आप देख रहे हैं पूरा उससे प्रभावित है, वहाँ पानी नहीं निकलता है, क्योंकि जो नहर गया अंडरग्राउंड हुआ तो पानी का लेयर नीचे चला गया, जिसके चलते आज भी बनासों के लोग त्राही माम है। तो अगर भगवान ने हमको इस मकाम पर पहुँचाया तो सबसे पहले मेरा पानी सवाल होगा, दूसरा सवाल मेरा बिजली होगा। कुनार डैम का पूरा पानी विष्णुगढ़ आ जाएगा तो हजारीबाग में क्या जाएगा? यही तो हम कह रहे हैं कुनार डैम को इस तरह से बनाया जाए, उसका साफ सफाई किया जाए, स्टोरेज बढ़ाया जाए, उसका स्टोरेज बढ़ाया जाए, अगर
आप ले जा रहे हैं तो उसका स्टोरेज बढ़ाए। आप इतनी बड़ा नहर बना दिए हैं और उसमें पानी रहने का कोई सवाल ही, आप उस जनता को कहां से आप पानी दीजिएगा? अरबों खरबों रुपया उसमें लग चुका है आज तक, और यहां से जाके हजारीबाग पानी जा रही है, ये अपने आप में आपत्तिजनक बात है। तो मेरी लड़ाई सबसे पहले यही होगी। आप भी खड़े हुए हैं? आप खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम भारती। किस पोस्ट के लिए? चेदरा पंचायत से मुखिया पद के। मुखिया के लिए? देखिए, तीसरे प्रत्याशी हैं चेदरा पंचायत के। लगता है कि चेदरा पंचायत में बहुत भारी घमासान होने वाला है। आप बताइए, आप क्या करेंगे अपने पंचायत के लिए? जीतने के बाद पंचायत में जो अपेक्षित लोग हैं, जिसको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिला, राशन कार्ड और जितने भी मतलब अपेक्षित है जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला, हम उस सारे को योजना दिलाने का काम। कितने लोग हैं ऐसे, मतलब आपके पंचायत में ऐसे कितने लोग? हमको नहीं लगता है कि अभी से पिछले विगत 12 वर्षों के जो इन लोग का कार्यकाल रहा, जो दो मुखिया रहे, तो वो लोग काम ही नहीं किए, 30% काम भी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे लोग कितने होंगे जिनके पास घर नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो कितने लोग हैं? वही परसेंटेज के हमको लगता है कि 10% लोग होंगे। नहीं, उससे ज्यादा है। सच में? 10% ज्यादा है, मतलब 25% होगा ही। 25%, बाकी 75% के लिए क्या करेंगे? चलिए, आप समझ गए, अपेक्षित के लिए आप करेंगे। 75% लोगों के लिए क्या करेंगे? वोट वो भी देंगे ना, उनके लिए क्या करेंगे? उन लोगों के लिए देखिए, हम एक मेडिकल डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो कोरोना काल में हम बहुत सेवा किए भी है, और जो कोरोना पॉजिटिव हुए उनको अपने हाथों से उठाए, हॉस्पिटल तक मैंने पहुँचाने का काम किया है। बहुत बढ़िया। और मैं खुद एक प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस भी करता हूँ, फार्मासिस्ट भी हूँ। तो फिर जब अपना प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है तो क्यों आप नेतागिरी में? मैंने देखा कि मैं हमारे पंचायत में जो जिसको योजना का लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, और आपका प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला, तो मेरे पास मेरे पिताजी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार वो कम अंतर से हार गए, और मेरे पिताजी के पास लोग आते थे, रोते थे, बिलखते थे कि मुखिया जी आप तो जीते नहीं, लेकिन मेरे पास आज तक योजना का लाभ हमको नहीं मिला, तो रोते भी लगते देखे हैं। तब जाके हमको इस लाइन में कूदना पड़ा। तो हम चाहते हैं कि अगर हम आएंगे चुनाव में, हम जीतेंगे, अगर हमको निर्वाचन लोग करेगा, तो हम इन लोग से बेहतर काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। क्या नाम बताया था आप? गौतम भारती। गौतम भारती जी, आप भी खड़े हुए हैं? किस पंचायत से? चेदरा पंचायत से। और किस पोस्ट के लिए? मुखिया पद के लिए। देखिए, चौथे हैं प्रत्याशी जो चेदरा पंचायत के हैं भाई, तो चेदरा पंचायत में देखिए, जो लोग देख रहे हैं भारी घमासान होने वाला। आप बताइए क्या करते हैं अभी? अभी मैं समाज सेवक हूँ। तो पहले आप बताइए क्या किया है अभी तक समाज सेवी, एज ए समाज सेवी क्या काम किया है आपने? कोरोना काल में हर गली हर पंचायत में जाकर हमने सैनिटाइज किया, अनाज बांटा हूँ, गरीबों को मदद किया हूँ। हमारा नाम गौतम वर्मा हुआ, और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वह बल्लेबाज छाप। मैं खेल से भी रिलेटेड हूँ, बच्ची लोगों को फुटबॉल भी सिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से गई हैं बच्चियाँ खेलने के लिए? कहाँ तक गई हैं? हजारीबाग भेजा हूँ। अच्छा। मैं यहाँ पे पिछले कोरोना से पहले मैं कम से कम 28-30 बच्चियों को प्रशिक्षण देता था। अच्छा। समाधान केंद्र की बच्चियाँ रहती थी। तो आगे, अभी तो हमारी जो बच्चियाँ हैं फुटबॉल इंटरनेशनल भी खेलने जा रही हैं, यहाँ झारखंड की 3-4 बच्चियाँ हैं जो, तो क्या यहाँ से आप उन्हें भेज पाएंगे अगर मुखिया बन जाएंगे तो? बिल्कुल, मैं अथक प्रयास करूंगा उनको भेजने के लिए। और ये तो चलिए खेल कूद की बात है, जो एक सेक्शन है 25% लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी लोग के लिए आप क्या काम करेंगे? बाकी लोगों का मैं यही काम करूंगा, जो मतलब सरकारी लाभ होता है वो जनता के बीच में डायरेक्ट पहुंचाने का काम करूंगा। बीच में बिचौलियों को कोई काम नहीं होगा, डायरेक्ट जनता को वो लाभ मिलेगी। जो जरूरत पैसा आया वो पैसा खर्चा कर देंगे आप, पॉकेट में कुछ नहीं रहेगा। मैं बीच का जो बिचौलियों का जो काम होता है वो चीज को खत्म करना चाहता हूँ, ताकि जनता को ये मतलब डिमांड होता है कि 10,000 यहाँ चाहिए, 15,000 वहाँ चाहिए, आवास आता है तो 30,000 का डिमांड होता है, ये चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं समाज करने आया हूँ, यहाँ कमाने के लिए नहीं आया हूँ। बिल्कुल। आप भी खड़े हुए हैं? आप करनी सेना से बिलोंग करते हैं, आप बताइए, आप काफी नजदीक से देखते हैं और समाज सेवी भी हैं, तो आप बताइए क्या लगता है इस चुनाव में? चेदरा पंचायत में 4 लोग आ चुके हैं और भी जगह से हैं, क्या स्थिति है? क्या जो मुद्दा बता रहे हैं लोग वो सही मुद्दा है कि ऐसा ही बता रहे हैं? नहीं नहीं, मुद्दा जहाँ तक है कुछ होता है जो बाजार में दिखता है, जो लोग को कुछ कमियाँ दिखती हैं तभी मुद्दा आता है। तो जब मुद्दा आया है तो कहीं ना कहीं होगा बात, तभी क्या सॉल्व कर पाएंगे सब आ जाएंगे।
अब जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश तो करेंगे सॉल्व करने का, इसी के लिए नेतागिरी में आ रहे हैं। हर किसी का तो यही होता है, मतलब आगे का उनका लक्ष्य कि जो भी जनता का ये हो उनका जरूरत या जो भी कुछ तो उसको हम पूरा कर लें। बिल्कुल, आप भी खड़े हुए हैं? नहीं, उम्मीदवार। आप किसी प्रेस से हैं? नहीं नहीं, प्रेस से भी नहीं है, पब्लिक है। पब्लिक है, तो आप बताइए जनता विष्णुगढ़ में क्या होने वाला है? देखिए, विष्णुगढ़ चुनाव की बात अगर किया जाए तो मजेदार रहेगा, लेकिन प्रतिनिधि लोग से कुछ सवाल है। जैसे प्रतिनिधि जो भूतपूर्व रह चुके हैं उनका कहना था कि नाली का समस्या है, हम आएंगे तो करेंगे, आप पहले थे तो क्यों नहीं किए, फिर आपको मौका चाहिए। किनसे सवाल है आपका, बताइए? जो पहले प्रतिनिधि रह चुके, मुखिया रह चुके हैं। अच्छा, दो मुखिया हैं हमारे, दोनों से सवाल है मेरा। एक सवाल ले लेते हैं पहले। हाँ, वहाँ आ रहे हैं सर आपके पास। मुखिया जी, आप तो पहले रह चुके हैं, आपसे सवाल किया जा रहा है कि आप पहले रह चुके हैं तो नाली और पानी की समस्या है क्यों नहीं सॉल्व किया आपने? मैंने पहले भी बता चुका हूं कि नाली की जो समस्या है वो नाली की समस्या का समाधान की व्यवस्था मैंने लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, मैंने प्रशासन का सहयोग भी लिया, प्रत्येक 3 महीने में लोगों को जागरूक किया कि अपने घर की नाली का पानी रोड में सड़क में ना बहाएं। प्रशासन के द्वारा उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई का मतलब उन लोगों को भय भी दिखाया गया, लेकिन हम लोगों को उतना अधिकार नहीं मिला। अगर जुर्माना लगाने का अधिकार पंचायत को मिला हुआ रहता तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। और दूसरी बात रह गई कि नाली बनना समस्या का समाधान नहीं है, नाली में जो गंदगी है उसको सही तरीके से निष्पादन करना वो पहला जरूरी है। जब नाली में जो पानी बहेगा और वो पानी कहाँ स्टोरेज होगा, कहाँ जमा होगा जिससे बदबू लोगों के पास ना आए, पहले उसकी व्यवस्था नहीं होगी। नाली बना देने से अभी देखे होंगे कि भूतपूर्व पहले 5 साल के पहले वाले मुखिया नाली बनाए हुए थे वो तेलिक धर्मशाला के पास, वहाँ निकासी का जगह नहीं रहने के कारण वो नाली में अभी पानी जमा हुआ है, वहां से बदबू आता है। जो हम लोग का ही तेली धर्मशाला है वहां लोग बहते हैं और ऐसे नाक को बंद करते हैं। नाली रहने से नहीं है, नाली को समाधान, नाली का जो पानी निकासी हो, जो गंदगी रोड में आती है उसकी साफ सफाई की व्यवस्था हो। तो लोग क्या इस बार हो जाएगा? देखिए सर, हम पहले भी बोल चुके हैं, सरकार के द्वारा अनुदान की राशि के साथ साथ एक लव लेटर आता है कि आपका जो भी अनुदान की राशि आप उसी पर आप खर्च कर सकते हैं, ना कि दूसरी योजनाओं पे खर्च कर सकते हैं। ग्राम सभा को पूरा अधिकार नहीं मिला है कि जो ग्राम सभा तय करे वो सरकार के द्वारा उसको अमली जामा पहनाया जाए। अगर ग्राम सभा के द्वारा यह तय किया जाता कि जो सफाई कर्मी बहाल होंगे ग्राम सभा उसको उसका जो मेहताना होगा वो ग्राम सभा देगी तो यह जरूर होता, लेकिन सरकार के द्वारा उस तरह का कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कानून हम लोगों के बीच में नहीं दिया गया है जिसके कारण ये समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसका एक ही अभी समाधान है, वो जागरूक। सरकार की बात हम समझ गए, आप तो नेता हैं, हम एज ए लीडर खड़े होंगे अगर, या फिर नेता खड़े होंगे तो हम कुछ ना कुछ यूनिक सॉल्यूशन लाएंगे, ऐसा सॉल्यूशन लाएंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर मैंने कहा ना कि जागरूकता की खूब कोशिश की है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि जो मेरे घर में जो मेहमान आते हैं वह गंदा पानी को लांग के जाते हैं, सबके घर में पनसोखा है। आप देखिए भ्रमण कीजिए, और लोग 75% ऐसे व्यक्ति है जो व्यवसाय वर्ग से आते हैं। मैंने ग्राम सभा विभिन्न चौक चौराहों में रहने का काम किया था, लोगों को मतलब जागरूक कराने किया था। 12 वार्ड थे पहले, आप देखे होंगे कि प्रथम में जो रघुवर की सरकार थी योजना बनाओ अभियान 3 साल के योजना उन्होंने बनवाया था, वो योजनाओं विभिन्न गांव में नजरिए नक्शा के द्वारा बनाया गया था। नजरिए नक्शा में वही योजना बनाना था जो सरकार के द्वारा जो चिट्ठी में दिया गया था उसी योजनाओं पर काम किया गया था, उसी योजनाओं के द्वारा उन लोगों का समाधान किया गया। नाली का समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है, यहाँ जागरूकता की कमी है। अगर लोग पानी अपने पनसोखे में अगर डाले, सारा लोगों का पनसोखा, लेकिन लोग नहीं चाहते, लगता है कि एक अगर पानी बाहर आने वो बहाए तो हम भी बहा दें। इसके कारण इस तरह सॉल्यूशन बताइए, सिंपल सॉल्यूशन है। जब तक इसका समाधान का सफाई कर्मी की जब तक व्यवस्था नहीं होगी इसका कोई, हाँ जागरूकता के तहत लोगों को मतलब जो पनसोखा है उसमें पानी डालने का तहत, और जो आपका क्या कहते हैं जो कौन करेगा, ये कौन करेगा, जागरूकता तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सॉल्यूशन कौन करेगा? सॉल्यूशन तो हम ही लोग को करना है। हर 3 महीने में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, अगर बोले कि जागरूकता कुछ लोग कुछ लोग और छूटे हुए हैं, जिला परिषद शायद पंचायत समिति से खड़े हुए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार मिश्रा। तो कुंदन जी, आप बताइए किस पंचायत से खड़े हुए हैं? चेडरा पंचायत। मेरा चुनाव पहले आप रह चुके हैं पंचायत समिति? जी नहीं, पहली बार खड़ा हूँ। क्या करते हैं अभी? अभी तो बिजनेस है। तो बिजनेस छोड़ के अचानक नेतागिरी में क्या? जी यहाँ पे अगर आप देखिएगा चेडरा पंचायत का, अच्छी बात बोलिए या दुर्भाग्य का बात बोलिए, हमारे पंचायत में सो
सारा कुछ है, हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, सभी कुछ रहने के बावजूद अभी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो यहाँ महिला चिकित्सक की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे देखिएगा आए दिन ऐसा कोई अगर अपने पत्नी को या परिवार से लेकर जाता है डिलीवरी करवाने के लिए तो वहाँ पे महिला चिकित्सक आपको नजर नहीं आएगी, वहाँ पे किसी तरह का भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि अगर आप गए तो अब यहाँ से आपको डायरेक्ट रेफर कर देगा हजारीबाग के लिए, तो ऐसा बदतर स्थिति हॉस्पिटल का। बिल्कुल, आप आ जाएंगे अगर चुनके तो क्या करेंगे? सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है कि हॉस्पिटल को सुधरवाना और वहाँ पे ऐसे महिला चिकित्सक को बहाल करवाने के लिए अपील करना। बिल्कुल, तो देखिए हम लोगों ने बात की, यहाँ पे जितने भी नेता अलग अलग पंचायत समिति से मुखिया से थे, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो विष्णुगढ़ के हैं, राजनीतिक में नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, उनसे भी जानेंगे करके, और कुछ पत्रकारगण भी हैं जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या विष्णुगढ़ की जो समस्याएं हैं वो सारी आ रहे हैं कि नहीं और इन नेताओं के जरिए आ रहे हैं कि नहीं। सर बताइए, जो लोगों ने बताया क्या आप उन बातों से सहमत हैं कि नहीं? पार्टली सहमत हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत बहुत है। स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग हमको लगता है 5 करोड़ से ऊपर का बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर भी कुछ हैं लेकिन एपरेटस नहीं है, बेड्स वगैरह नहीं है, जिसके चलते यहाँ से लोग को बाहर जाना पड़ता है दिखलाने के लिए। ये सुधार होना चाहिए। उसके बाद एक समस्या, एक बार सबसे पूछा, एक ही बात बोला सर, आप भी एक बात बताइए ऐसी जो नहीं आ पाए यहाँ पे या फिर जो होना चाहिए था। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र के संयोजक ऋतिक मिश्रा जी के द्वारा जो ये आयोजन किया गया और इसमें प्रबुद्ध लोग एकत्रित हुए, सभी प्रतिभागी एकत्रित हुए, उन लोगों से जो इंटरव्यू ली गई उससे हम सभी संतुष्ट हैं। वे सभी भी प्रतिभागी लोग हमारे ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हमारी विजय हो, और हम जनता भी उनकी ओर देख रहे हैं कि वे विजयी होकर हमारी समस्याओं का समाधान करें, पंचायत से लेकर जिला तक हमारी बातों को ले जाएं, और मैं उससे संतुष्ट हो जाऊं कि इन्होंने जो भी काम किया हम सबों की भलाई के लिए, जनता जनार्दन की भलाई के लिए किया, आज तक इस तरह की परिपाटी नहीं हो पाई थी। सबों को यहां लाकर एकत्रित किया गया और सबों ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और हम सभी उससे संतुष्ट हैं। सर एक बात बताइए, जो रह गया है, जो प्रत्याशी नहीं बता पाए हैं, फिर आप लोग काफी दिनों से देख रहे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा या फिर कुछ ऐसा मुद्दा है जो ये लोग नहीं उठा पाए हैं? अभी तो चुनाव के पहले बहुत सी वादा लोगों ने किया, लेकिन चुनाव के बाद मुझे अभी तक यही देखने को मिला है कि जन प्रतिनिधि बन जाने के बाद भूल जाते हैं जनता की समस्याओं को और वे दलाली करते हैं। बिल्कुल, तो मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी हूँ। तो सर जैसे इन्होंने बताया कि चुनाव के पहले तो बहुत वादे करते हैं नेता, ये कॉमन है। मतलब यह है कि अभी यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं सब नौजवान हैं, उनमें कार्य करने की क्षमता है। इस क्षमता का उपयोग यदि पंचायत के विकास में लगा दें तो वही सही उपयोग होगा। बहुत बहुत सही बात। सर ये बताइए, एक ऐसी बात जो रह गई है या फिर जो आप शेयर करना चाहते हैं पब्लिक के साथ? हम विष्णुगढ़ पंचायत के हैं, विष्णुगढ़ पंचायत में हम हैं प्रॉपर। तो वहाँ के पंचायत में मुखिया समझिए कर दिया है लेडीज और सब समझिए कि हरिजन। तो हरिजन लोग जब कर दिया है, सब पढ़े लिखी है, ये नहीं है तो क्या करेगा वो लोग, मुखिया बन करके क्या सेवा कर सकेगा? इसलिए ये बोलते हैं ऐसा योग्य हो कि हम लोग कुछ काम हो। अब बनने के बाद कुछ होता नहीं, जो बने थे वो किए कुछ नहीं, अब वो अभी तो है नहीं, इसलिए ऐसा योग्य होना चाहिए कि हम लोग कुछ फायदा हो। बिल्कुल, आप बताइए सर क्या होना चाहिए? आप बहुत दिनों से देखते हैं और लिखते भी हैं, तो क्या विष्णुगढ़ की जो राजनीति है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? नेता जो है वो निकल के आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ विष्णुगढ़ को हम जितना दिन से हम अध्ययन कर रहे हैं, जब से पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं तब से तो हम विशेष अध्ययन कर रहे हैं इसमें, तो हमको यहाँ पर लगता है कि विष्णुगढ़ पॉलिटिकली रूप से बिल्कुल डेड जगह है। अच्छा, यहाँ किसी का मतलब कोई पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक है, उसके बाद
अगर हम सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस क्षेत्र में मानते हैं तो यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। आप ब्लॉक ऑफिस जाएं, थाना जाएं या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं, आपको वहाँ भ्रष्टाचार हमेशा दिखाई देता है। उसका कोई बात नहीं किया अभी तक, उसका कोई मुद्दा चलता में चलता ही नहीं, यहाँ सिर्फ नली गली यही चलता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमको लगता है, तो जब तक सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, आम लोगों को राहत नहीं होगी, या सरकारी योजनाओं को अगर धरातल पर लाना है, उसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को दूर करना राजनीतिक दलों का या जनप्रतिनिधियों का ये सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, तभी जनता तक आम योजनाओं का लाभ सही दिशा में पहुंच पाएगा। बिल्कुल सर, आप बताइए। जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, उस पर इन लोग अंकुश नहीं लगाएंगे। जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, वादा करते हैं, वादा करने के बाद 5 वर्ष बीत जाता है, वो वही दोहराते हैं, लेकिन अगर वो अपना जितना पावर उनके पास मिलता है उस पावर का यूज कर पाए तो शायद हमको लगता है कि पदाधिकारी इस तरह का कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन लोग क्या वजह है, क्या अंदरूनी कमी है इन पर, जो जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा पाते हैं अफसर्स के पास। तो देखिए, सब जो है यहाँ पे जो भी लोग हैं वो व्यक्त कर रहे हैं, जो लोग छूट गए हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा ये पहली बार आया है, इन्होंने उठाया मिथिलेश जी ने, तो आप बताइए क्या मुद्दा रह गया है। जो सर मुद्दा तो ये है कि अभी अभी आप सुने कि हमारे विष्णुगढ़ प्रखंडी में पंचायत में महिला आरक्षित है, इलिटरेट पर्सन है, तो सरकार को सबसे पहले निगरानी जानी चाहिए कि हम जो प्रतिनिधि बना रहे हैं या हम खुद बनते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। सरकार को अभी बहुमत में हमारी सरकार है, इनको चाहिए कि इस पर अमला पजामा पहना करके सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी चुनाव के लिए होना जरूरी है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारा विकास संभव नहीं है, चाहे जितने भी वादा कर ले हम। देखिए शिक्षा के दौर पर लोग बोल रहे हैं कि शिक्षित जो व्यक्ति हैं वही रहेंगे तभी अच्छा होगा, आप बताइए। देखिए बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और यहाँ जो मतलब छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको यहाँ के मुखिया हो या पंचायत प्रतिनिधि हो या जिला परिषद हो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे ब्लॉक का अगर कुछ काम होता है तो हम जनता को खुद जाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है या पैरवी करना पड़ता है। अगर मुखिया हमारा अपने ढंग का हो, मतलब काम करने वाला हो, तो आसानी से काम हो सकता है। थाना में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जनता को खुद समाधान ढूंढना पड़ता है। अगर मुखिया हमारा तरीके का हो, पंचायत प्रतिनिधि तरीके का हो, तो हमको लगता है कि जनता को उससे राहत मिल सकती है। बिल्कुल, आप बताइए सर, यहाँ आपने सुना, सबकी बातें सुनी, क्या मुद्दा है जो रह गया है, फिर क्या नया मुद्दा है जो लोगों को उठाना चाहिए था? इसमें ऐसा है कि जो मुद्दे आए हैं वो मुद्दे अच्छे हैं और जो वरिष्ठ जन भी बताए वो भी सही हैं, परंतु यहाँ जो पंचायती राज से जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको झारखंड राज्य जो संशोधन अधिनियम 2010 की धारा 10 की जानकारी नहीं है। अगर उनको धारा 10 की जानकारी होती तो शायद इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आती। धारा 10 में लगभग 33 प्रकार के शक्तियों का उनके पास अधिकार है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं वो पंचायती राज के अधीन है, लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम के अध्ययन नहीं करने के कारण इन समस्याओं का निराकरण स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो अधिनियम का अध्ययन करते और वो अधिनियम में जो दर्शाए गए बिंदु हैं उसके आधार पर यदि काम होता तो बेहतर तरीके से काम कर पाते। बिल्कुल, आप सर आप बोलेंगे क्या हुआ, इतने लोगों को बात सुना आपने, क्या मुद्दा है जो रह गया है फिर जो नहीं आ पाया है? जी मुख्य मुद्दा तो अभी विष्णुगढ़ पंचायत में जो है वो सबसे पहले है कि यहाँ पे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें अस्पताल मुख्य रूप से है, उनके कर्मचारी समय पे नहीं आते हैं। अगर यदि 5 बजे के बाद कहीं भी कोई दुर्घटना घट जाती है सड़क पे, उनको किन्हीं के माध्यम से अस्पताल ले आते हैं, तो वहाँ पे ना ही कोई कर्मचारी रहते हैं और ना ही कोई डॉक्टर रहते हैं। तो इन जो निर्वाचित उम्मीदवार होते हैं उनको कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए और जो उनको जो शक्ति मिली है वो शक्ति का सही से उनको अध्ययन करके और वो शक्ति को इम्प्लीमेंट अपने क्षेत्र में करना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने हर वर्ग के लोगों से, जनता से बात की और जो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे उनसे भी सब बात की। यहाँ पे हजारीबाग के भी एक पत्रकार पहुँचे हुए हैं, बहुत पुराने हैं। सर ये बताइए, विष्णुगढ़ पे चर्चा चल रहा था, क्या हजारीबाग और विष्णुगढ़ में क्या डिफरेंस है, दोनों के मुद्दे पे क्या डिफरेंस रहा है?
हम समझते हैं कि भाई डिफरेंस की जहाँ तक बात है तो हमको तो कुछ विशेष ऐसा अंतर नहीं लगता है, क्योंकि जो यहाँ की समस्या है, गांव की जो समस्या है, और अभी गांव का चुनाव हो रहा है, शहर का तो चुनाव हो नहीं रहा है, देख समस्या में कोई हमको अंतर नहीं लगता है। हर गांव को विकास होना चाहिए, हर गांव को पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए, मुख्य मुद्दा अभी यही है ना। और जो भी सरकारी की योजना जो होती है वो धरातल तक पहुँचे, बीच में ही क्रस ना हो, ये हमारी बात। सर आप बताइए, आप अभी आए हैं विष्णुगढ़ में ही आप शायद रहते हैं, और हाँ आप ये काफ़ी दिनों से मतलब चर्चित हैं इस जगह से, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सब जो प्रत्याशी है अपने अपने मुद्दा बता रहे थे, कुछ जीते हुए प्रत्याशी थे वो भी बता रहे थे, आपके नज़र में क्या ऐसा मुद्दा है जो छोटे छोटे चुनाव में जो यूज़ होना चाहिए और जिसका प्रभाव बहुत बड़ा होना चाहिए? देखिए यहाँ तो गाँव का सरकार बनाने की बात है, तो गाँव का सरकार कहने का तात्पर्य है जहाँ सरकार हो वहाँ विकास का योजना मतलब इतना बेहतर तरीके से होना चाहिए जिसका कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सरकार खुद है, सरकार वो रांची की सरकार नहीं है, ये जो भी है गांव की सरकार है, तो वो प्राथमिकता जो गांव स्तर पर होता है, बिजली पानी सड़क इत्यादि, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए हम लोगों ने बात किया यहाँ पे नेतागणों से और पत्रकारों से, जो विशिष्ट चीफ गेस्ट थे, अधिकारी थे, सब उनसे बात किया और जनता से भी बात की, और विष्णुगढ़ में जो चुनाव का माहौल है उसको जाना, अपने प्रत्याशी को जानने का एक मौका मिला विष्णुगढ़ के नागरिकों को, जनता को, ताकि वो अच्छा फैसला ले सके, जो चुनाव में उतरे हैं उनके बारे में जानने का एक मौका मिला है। और इस तरह की जो प्रोग्राम है वो शायद बहुत कम होती हैं, हजारीबाग जैसे ज़िले में और छोटे बड़े मतलब गांव में नहीं होती है, तो ये एक अच्छा प्रयास है विष्णुगढ़ के लोगों का, शायद इस प्रयास से जनता के लिए आसान हो जाए उनके प्रत्याशी चुनना। बहुत बहुत धन्यवाद।